हेलो, जय ड्राइविंग स्कूल डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मेरा नाम जयश्री सुमैया है एंड मेरी ड्राइविंग स्कूल का नाम जैज ए डैश वन ड्राइविंग स्कूल है। मैं 1995 से ये ड्राइविंग स्कूल न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया में चला रही हूँ। अब हम रिवर्स पार्किंग कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल में मैं दिखाऊंगी। अच्छा, अभी उसके लिए आप मेरा प्लीज़ थियरी का रिवर्स पार्किंग का वीडियो देखो। उसमें मैंने बताया है टेस्ट के हिसाब से कैसे रिवर्स पार्किंग करना है, पार्क गाड़ी के नज़दीक कितने दूर आके खड़े रहना है, कब इंडिकेट करना है, कहाँ कहाँ देखना है, सब टेस्ट रिक्वायरमेंट के रीत से सब दिखाया है। वो प्लीज़ पहले देखना, बाद में ये वीडियो देखना। और मेरे वीडियो देखने के लिए खूब खूब आभार। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तो दूसरों को भी फ़ायदा हो। और अब हम देखेंगे रिवर्स पार्किंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल देखेंगे। अच्छा, अब ये पार्क वैन है, उसके बाजू में हम आएंगे। हम रिवर्स पार्किंग करने के लिए 30 मीटर पहले इंडिकेट करना है। मिरर लेफ्ट लेंस पर मिरर मैंने देख लिया है। मैं थोड़ी ऊपर उठ के देखती हूँ मेरी गाड़ी वैन से कितनी दूर है। मुझे 1 मीटर से ज़्यादा उससे दूर नहीं रहना है, तो मैं सीधी चली आ रही हूँ। अब यहाँ खड़ी रहती हूँ। मैं वैन से इतनी ही एक आर्म लेंथ ही दूर हूँ। अपनी गाड़ी और उस वैन 1 मीटर ही दूर है। अब मैं गाड़ी को रिवर्स में गियर चेंज करती हूँ। बाद में मैं सीधा देखती हूँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए। फिर पीछे देखती हूँ, कोई गाड़ी नहीं आनी चाहिए, कोई नहीं है। और राइट में अब देखती हूँ, राइट ब्लाइंड स्पॉट देखती हूँ कि मेरे बाजू में कोई गाड़ी नहीं है। अब पीछे बच्चा कोई नहीं है, वो देख के धीरे धीरे स्लो सीधी जा रही हूँ। जब तक ये राइट का कॉर्नर गाड़ी का पार्क वो ब्रेक लाइट है, ये है साइड का डोर का हैंडल, डोर की साइड वो एक लाइन में आ जाए, तब तक सीधी मैं आई हूँ। अब पीछे देख के मैं व्हील्स को स्लोली गाड़ी को जाने देती हूँ और व्हील्स को फुल्ली लेफ्ट टर्न करती हूँ। अब मेरे व्हील्स टर्न हो गए हैं। अब गाड़ी को धीरे धीरे पीछे जाने देती हूँ और पीछे मैं देख रही हूँ। और अब साइड मिरर में देखती हूँ कि मेरी गाड़ी इस तरह पोजीशन में 45 डिग्री एंगल पे आ गई है। ऐसे लगता है कि मेरी बैक ऑफ माय कार टच कर रही है फुटपाथ से, इतना नज़दीक, ऐसे इतना नज़दीक आना है। अब ये पॉइंट पे हम धीरे धीरे पीछे जाएंगे, पीछे देखते देखते, पीछे की विंडो से देखते देखते, और व्हील्स को राइट में घुमाएंगे। राइट में अब धीरे धीरे मैं जा रही हूँ, पीछे देख रही हूँ और टर्न भी कर रही हूँ व्हील्स को, और मैं साइड मिरर में भी देख रही हूँ और मुझे फुटपाथ भी दिखता है। मैं स्लो जा रही हूँ और टर्न कर रही हूँ व्हील्स को। अब मेरी गाड़ी नज़दीक भी है, अब बहुत नज़दीक चली गई है फुटपाथ से, बट मेरे मेरे टायर ने फुटपाथ पे टच नहीं किया है, वो ड्राइववे का एंड है। अब मैं आगे की गाड़ी से इतनी ही दूर हूँ, इतनी ही दूर हूँ। अब मुझे व्हील्स को सीधा करना है क्योंकि मेरे व्हील्स को मैंने राइट में टर्न किया था। अब उसको मैं सीधा करने वाली हूँ, तो स्लो जाके जल्दी से व्हील्स को टर्न कर दिया और व्हील्स सीधे हो गए। मैं पीछे से देखती हूँ, मेरी गाड़ी सीधी जा रही है। अब मैं ये गाड़ी से बहुत दूर नहीं हूँ। अब मैं ड्राइव में डालती हूँ मेरी गियर को और फिर आगे उठ के देखती हूँ और सीधी चली जा रही हूँ और उसके नज़दीक आके खड़ी रहूंगी। और ये गाड़ी से मैं 2 मीटर के अंदर हूँ और 1 मीटर से नज़दीक नहीं हूँ। इसको 1 से 2 मीटर के अंदर आना है और मैंने खाली 2 मनुवर यूज़ करे हैं। अब आप देखोगे कि मैं फुटपाथ से इतनी दूर हूँ, थोड़ी दूर और हो सकती हूँ। 400 मिलीमीटर के अंदर मुझे फुटपाथ से के नज़दीक रहना है। मैं थोड़ी ज़रा ज़्यादा नज़दीक हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिक्वायरमेंट बरोबर हूँ। मैं 4 मनुवर यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैंने 2 ही मनुवर यूज़ किए और मेरा रिवर्स पार्किंग हो गया। लेकिन मैं स्लो रोल कर रही थी गाड़ी को और मेरे व्हील्स को भी टर्न कर रही थी, दोनों साथ में कर रही थी, इसलिए मेरा रिवर्स पार्किंग हो गया 2 मनुवर में। मेरा वीडियो देखने के लिए खूब खूब आभार। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए तो दूसरों को भी हेल्प हो सकती है।